इस वक्त की बड़ी खबर जो यूपी के जनपद बहराइच से आ रही है। जिले में बेखौफ अपराधियों का बड़ा कारनामा देखिए सबसे पहले प्राइम 80 न्यूज पर। एक बालक व एक बालिका की गला रेत कर हत्या करने के बाद उसके शव को गन्ने के खेत में फेंक कर हत्यारे फरार हो गए। मृतक बच्चों की अभी तक नहीं हो सकी पहचान। घटना के बारे में क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने देखे। बहराइच से नीरज गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। में सुबह सुबह दो मासूमों के शव मिलने से जिले में सनसनी फैल गई। जनपद के थाना पखारपुर अंतर्गत ग्राम बसंतापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब पशुओं के लिए चारा काटने गए ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में दो मासूमों का शव देखा। एक साथ दो मासूमों की हत्या कर हत्यारे शव को गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गए। अगर ग्रामीणों की माने तो कुछ दिन पूर्व अज्ञात व्यक्तियों के साथ ये दो बच्चे घूमते दिखाई दिए थे। बताया जा रहा है कि अभी इन मासूमों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं मृतक बच्चों की उम्र की अगर बात की जाए तो लड़के की उम्र करीब 10 वर्ष व लड़की की उम्र करीब 11 वर्ष है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पखरपुर राजेश कुमार व एसएसपी नगर व एसपी बहराइच के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की चार टीमों को लगाया गया है। प्राइम 80 न्यूज के लिए अजय गुप्ता के साथ नीरज गुप्ता बहराइच। ये जो आज घटना घटी है क्या इसमें जानकारी है, क्या आपके नज़र में आ रहा है? अभी तक ये फकरपुर थाना क्षेत्र के गजादरपुर गांव है उसका एक पुरवा है बसंतापुर, वहाँ पे गन्ने के खेत में एक लड़की और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है जिसके गर्दन पर धारदार हथियार से चोट है और बच्ची की उम्र करीब 10 वर्ष होगी और बच्चे की उम्र करीब 8 वर्ष होगी। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति दो व्यक्तियों के साथ ये बच्चे गाँव में घूमते हुए देखे गए हैं। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, अति शीघ्र इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। स्वाट टीम और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। फिर मौके से कोई चीज़ बरामद हुई है या नहीं? मौके से ब्लड लगा है और गिरा हुआ है और अभी ऐसा कोई वस्तु नहीं बरामद हुई है। आला कतल की भी हम लोग खोज कर रहे हैं अगल बगल और विवेचना इसमें की जाए। थैंक यू।